नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा द्वारा मीना बाजार का आयोजन एवं नवरात्र पर्व की तैयारियां शुरू। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा बस्ती के तत्वाधान पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्र पर्व मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है एवं क्षेत्र के ग्रामीण के मनोरंजन हेतु सद्भावना मीना बाजार का आयोजन किया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक झूले एवं खाने की सामग्री तथा अन्य घरेलू सामग्री की दुकानें भी लगाई गई है तथा समिति अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों से अपील किया है कि नवरात्र पर्व का आयोजन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर नवरात्र पर्व एवं मीना बाजार का लुत्फ उठाए। समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल, तरुण रावल, ऋषभ अग्रवाल, गोलू अग्रवाल लक्की चौक से, प्रकाश अग्रवाल मानसिंह धुर्वे वैभव चौक से, मुकेश गोयल, गन्नू अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राहुल गिरिग, सोहन अग्रवाल आदि समिति के सदस्यों ने उकवा क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम माता रानी की आरती में उपस्थित होकर माता रानी का आशीर्वाद एवं भंडारा वितरण करें तथा प्रसादी वितरण कर पानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं मनोज अग्रवाल, सार्वजनिक दुर्गा समिति का अध्यक्ष जी, और इस साल प्रतिदिनुसार मेला का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, इस साल भी किया गया है। समस्त ग्रामवासी के मनोरंजन के लिए किया गया है ये, और प्रतिदिन यहाँ पर झूले का 4-5 प्रकार के झूले यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें सभी लोग गांव वाले के लिए बुलाया गया है, ये उसमें लुत्फ उठाए, यहाँ पर आनंद उठाए, और प्रतिदिन भंडारा भी किया जाएगा मंदिर में, उसमें भी आए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्र प्रारंभ कब से होने वाली है? 15 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी। आपका परिचय? मेरा नाम है आकाश अग्रवाल, मैं दुर्गा उत्सव समिति का उपाध्यक्ष हूँ। कितने सालों से मनाया जा रहा है दुर्गा उत्सव? दुर्गा उत्सव समिति लगभग 74 साल से मनाया जा रहा है, और प्रतिवर्ष समितियाँ गांव वालों को मीटिंग बुलाकर समितियाँ चेंज होती है या इसका पूरा निर्माण होता है। इस साल हमको भी दोबारा मौका मिला, पिछले साल भी हम भी लोग थे समिति में और हमको इस साल दोबारा मौका। बताइए, नवरात्र पर्व में क्या यहाँ पर धूमधाम चल रहा है? देखिए, 15 तारीख को पहले सर्वदेव पूजन कलश स्थापना और दुर्गा सप्तशती का पाठ बाहर के जो लोग बनारस के महाराज जी बुलाए और हमारे जो मंदिर के पुजारी है, 3 पुजारी द्वारा पूजा पाठ का और कलश स्थापना की जाएगी। उसके पश्चात प्रतिदिन जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत रखता हूँ। अभी तृतीया के दिन 17 तारीख को अंताक्षरी की प्रतियोगिता रखी गई है, इसमें हर कोई भी ग्रामीण जन इसमें हिस्सा ले सकता है। चतुर्थी के दिन बुधवार 18 तारीख को देवी जागरण और जीवित झांकियों की प्रस्तुति की जाएगी नागपुर के द्वारा। योगेंद्र बावनकर जी, जो नरेंद्र बावनकर जी आ रहे हैं नागपुर के, जो देवी जागरण करेंगे। पंचमी के दिन समिति की तरफ से 56 भोग और महाआरती का आयोजन किया गया है। उसके पश्चात गरबे का आयोजन किया गया है जो किया जाएगा। उसके पश्चात ऑर्केस्ट्रा रखा गया है एवरग्रीन नागपुर के द्वारा, रात्रि 9 बजे से चालू होगा। षष्ठमी के दिन गरबा कार्यक्रम रखा गया है समा ग्रुप एकेडमी गोंदिया के द्वारा। ग्रामीण मेरे को सुन रहे हैं, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर इस पूरे नवरात्रि पर्व का लुत्फ उठाएं, आशीर्वाद प्रदान करें, और इसके साथ साथ विशेष आकर्षण के रूप में यहाँ पर मीना बाजार जिसका नाम है सद्भावना प्रदर्शनी छिंदवाड़ा से इनको बुलाया गया है विशेष आकर्षण के रूप में। ये आप सबके मनोरंजन के लिए रखा गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर इस सभी चीज़ का आप लुत्फ उठाएं, आनंद लें और एंजॉय करें। मिलते हैं अगली बार नई और ताज़ा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।